कुर्सी पे लटकाओ उसके खिलाफ बिल बनाओ, अरे प्याज का दाम बढ़ा दिया उसका खिलाफ बिल बनाओ। तुम भारत में कर क्या रहे हो? तुझे जनता ने चुनकर इसलिए दिया था कि कभी नोटबंदी के लिए लाइन में लगाओ और कभी अपनी नागरिकता को साबित करने के लिए लाइन में लगाओ। तो हम भारत के लोग इस बिल के सपोर्ट में नहीं है। बारिश में भी निकले हैं, तूफान में भी निकले हैं, हम ये एहतजाज जारी रखेंगे जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाता। मुसलमानों के जज्बात का इम्तहान मत लो, आंदोलन चलाएंगे और मेरी नागरिकता पे तुझे अगर शक है तो लाओ बंदूक, हम खड़े हैं, गोलियों से भून दो, लेकिन जो है ये सबसे बड़ी बात है। गृह मंत्री जो बोल रहे हैं तमाम लोगों के लिए उन्होंने सुविधा दे दिया है, सिर्फ अल्पसंख्यक और मुस्लिम वर्ग को दिया जाएगा प्रमाणित करने के लिए। धार्मिक आधार पर जो बिल पेश किया गया है वो आज तक आज़ादी के बाद जो काला दिन देखा जाएगा तो उस दिन काला दिन था जिस दिन राज्यसभा से ये कानून पास हुआ और पूरे मुल्क में जो बदनामी हिंदुस्तान का हुआ है पूरे विश्व में। ये आपको होम मिनिस्टर अमित शाह, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने जो देश को धब्बा लगाने का काम किया है, आने वाला नस्ल उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। पार्लियामेंट में उसके खिलाफ है ये, इसलिए कि ये हम लोग देख रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कभी इसकी इजाज़त नहीं देता कि किसी जात पात और मजहब बिरादरी को कहीं पर आड़े लाया जाए, लेकिन इस बिल से जो है हमको साफ जाहिर हो रहा है कि ये मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश है। ये मुस्लिम धर्म के आधार पर तो ये बिल का पास करवाया गया है, हाँ, ऐसा हाँ, आपको लगता है? हाँ, उसके लगता है, जो कुछ उसमें जो है सामने बात आई है लेकिन यही लेकिन आभास प्रकट होता है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को इस पर कोई खतरा नहीं है। नहीं, तो मोदी जी कह रहे हैं लेकिन जो कर रहे हैं वो भी तो उससे भी तो आभास हो रहा है हमारा। क्या नुकसान की बात आती है, क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान की बात ये है कि साहब जो है इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि हिंदू सिख ईसाई बौद्ध जैन इनको अगर NRC में नहीं भी आवेंगे तो हम इनको अडॉप्ट कर लेंगे, हम इनको ये शहरियत दे देंगे, लेकिन मुसलमानों का नाम नहीं लिया। इससे साफ जाहिर हो रहा है, साफ प्रकट हो रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ ये बिल लाया गया है। एक ये, दूसरे ये कि साहब जो है हमारा जो संविधान है संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं देता। हमारा जमहूरी मुल्क है, जमहूरी मुल्क में इस तरह की कोई बात करना जो किसी विशेष जाति या जो है मजहब के खिलाफ हो ये बिल्कुल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त नहीं देता। लेकिन ऐसा क्यों किया जा रहा है ये समझ में किससे परे बात लग रही है, क्या बात है? ऐसा क्यों किया जा रहा है ये तो मोदी जी बताएंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं वो। ये तो हम आप अपने तौर पे सब पब्लिक भी समझ रही है कि आखिर इनका व्यू क्या है, ये क्यों ऐसा करना चाहते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप में तो वही लोग बताएंगे जो बताते कुछ हैं और करते कुछ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आलम हुसैन है। मैं ये जमीयतुल उलमा शेखपुरा बिहार का अध्यक्ष हूँ। ये मौलाना मंसूर साहब हैं, ये सचिव हैं। बताइए सर क्यों निकाल रहे हैं जुलूस? बताइए क्यों जुलूस निकाल रहे हैं? हम लोग इस देश को जो बांटने का काम हुआ है, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई, हम लोग हमेशा एक साथ रहने वाले इस देश में जो है सारे जातियों को बांटा जा रहा है। ये CAB और NRC लाया गया है, ये तो सिर्फ मानते हैं कि जिन्ना का और अंग्रेजों का मांग जो उन लोगों का सपना था उसको पूरा किया जा रहा है, इस देश को बांटा जा रहा है। आज हम मानते हैं जिस दिन ये बिल पास हुआ है देश में, हम मानते हैं कि ये जिन्ना का और विदेशियों का जो सपना था उसको पूरा किया जा रहा है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं कि ये बिल को वापस लिया जाए। क्या नाम हुआ? नाम क्या हुआ? नाम साकिब इकबाल, NSUI प्रदेश सचिव।